वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। अगर आप न्यू हैं तो आप जानकारी ले लीजिए कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। हम लोग GS सेक्शन इसमें कवर कर रहे हैं और इस बार ये जो सीरीज चल रही है वो सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रात को 9 बजे भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, पॉलिटी के हो चुके हैं, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये सारी ही क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप इन सब से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए, डिटेल क्लासेस चाहिए, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। RO री एग्ज़ाम देने वाले हैं, UPPCS या जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिनकी जानकारी आप लोग बार बार ले रहे हैं, BEO वगैरह की वैकेंसीज या अदर स्टेट PCS है, UKPSC, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल है जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए वहां पर आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। कोई आपको डाउट है फुल पेड कोर्स लेने पर आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस टॉपिक में हम लोग जितने भी इससे जुड़े हुए थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से व्यक्ति, उन सारे व्यक्तियों को कवर कर रहे थे और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख रहे हैं। लिस्ट के फॉर्म में मैंने लगभग आंदोलन आपको कराए हुए हैं, अभी आगे भी कुछ पढ़ने हैं, पहले फैक्ट्स कंप्लीट होंगे फिर उनको भी स्टार्ट कर लेंगे। जो सबसे पहले आंदोलन आप पढ़ेंगे वो है वोकल एक संघ आंदोलन। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी मैसूर से और इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मण विरोध करना, मतलब ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, ब्राह्मण लोगों का, उस वर्ग का विरोध करना। न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की शुरुआत आप सभी को पता है, पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, CN मुदलियार ने की, TM नायर और P त्यागराज चिट्ठी, ये तीनों लोग इसमें जुड़े हुए थे। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो धीरे धीरे ये अपना जो वर्चस्व है ब्राह्मणों का उसको ख़त्म करके अपने भी लोगों को, अपने जो दलित लोग हैं या नीचे वर्ग के लोग हैं इन सभी को, या फिर कह सकते सिर्फ गैर ब्राह्मण व्यक्ति जो थे इन सभी को वो उस स्थान पर ले जाना चाहते थे जहाँ पर ब्राह्मण लोग भी थे। तो हर पद पर चाहते थे हर एक व्यक्ति को मौका मिले। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वो MG रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी और इसका पहला सम्मेलन मद्रास में हुआ था 1887 में। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध जो सबसे पहले प्रक्रिया आई उसमें सबसे पहले शुरू हुआ वहाबी आंदोलन और इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। शाह वली उल्लाह 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के सामाजिक पतन के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। और शाह वली उल्लाह देहलवी ये प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान और समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में इस्लामिक राज्य के समक्ष उपस्थित विभिन्न समस्याओं और तत्कालीन मुस्लिम शासक वर्ग के कई सुझाव दिए थे। इसने इजारा प्रथा की समाप्ति के लिए भी इन्होंने मोहम्मद शाह को एक पत्र लिखा था और असरारुल दीन नामक पुस्तक का लेखन भी किया। कुरान का जो फारसी अनुवाद है वो इन्होंने किया और कुल 51 पुस्तकें भी लिखी थी इन्होंने। फराजी आंदोलन के बारे में जान लीजिए, इसकी शुरुआत की थी हाजी सरयतुल्ला ने 1818 में और इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जो जोर था वो इस्लाम धर्म की सच्चाई पर ही था। फिर जान लीजिए देवबंद स्कूल, इसकी स्थापना तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत है इसके सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर हुआ था 1866 में। अब आप इसमें देखेंगे इसमें किसने किसने मिल करके इसकी स्थापना की, तो इसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी थे, इनके साथ थे राशिद अहमद गंगोही, मिल करके इन लोगों ने देवबंद स्कूल की स्थापना की थी। अगला है सिंह सभा आंदोलन जो कि 1873 में अमृतसर से प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर रहती थी। अगले हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो है सर सैयद अहमद बिन मुताकी खान।
इनके बारे में जान लीजिए। ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में, जो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी पर आधारित थी। ये कहते थे धर्म को समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए वरना ये जीवाश्म बन जाएगा, इनका कथन था। धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं होते, ये भी इनका एक कथन था। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था और 1859 में मुसलमानों को विद्रोह के आरोपों से मुक्त करने के लिए इन्होंने असबाबे बगावते हिंद पुस्तिका प्रकाशित की थी। देखिए, जो 1857 का विद्रोह था इसमें इन्होंने लोगों को मदद करने को कहा था अंग्रेजों के साथ, इन्होंने खुद भी उनकी मदद की थी। और लेकिन इसके बाद समझा यह गया, इल्ज़ाम ये आया कि मुसलमानों ने इस विद्रोह में भाग लिया और इनको गलत निगाह से देखने लगे थे अंग्रेज, जबकि ये अंग्रेजों का साथ भी देना चाहते थे। तो अपनी इमेज सुधारने के लिए इन लोगों ने क्या कोशिश की, सबसे पहले तो इन्हीं की बात करते हैं। तो उन्हें खुश करने के लिए ये असबाबे बगावते हिंद इन्होंने लिखी, जिसके द्वारा ये अंग्रेजों को समर्थन दिखाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और कुछ हिंदू और मुस्लिम नेताओं जैसे कि बनारस के राजा शिव प्रसाद के समर्थन से यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। 1860 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लॉयन मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक जो किताब थी इन्होंने ही लिखी थी। 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे और इनकी वफादारी के कारण 1888 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दे दी थी। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। अगला फिर से एक कथन है, उच्च पद और प्रतिष्ठा धारण करने वाले लोग भी अधिकारियों के सामने नहीं पढ़ते थे और यदि सामने गए भी हों तो एक आंतरिक भय और बौखलाहट के साथ आते थे। ये सर सैयद अहमद खां का कथन था। ये उल्लेख करते हैं कि उस समय कैसे लोग अंग्रेजी अधिकारियों से मिला करते थे। अब हम लोग कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम देखेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन तो हम लोग देख रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हैं इनसे जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी देख रहे हैं। अब इन्हीं के प्रयासों से कुछ अधिनियम भी पारित होते हैं, कुछ सुधार लाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। इसके साथ में और भी जो आंदोलन है उनको भी कवर करेंगे। सामाजिक सुधार अधिनियम में सबसे पहला अधिनियम पढ़ेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जो कि कैनिंग के समय पर पारित हुआ यह अधिनियम 1856 में। इसमें विधवा विवाह की अनुमति मिल गई थी और यह 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हुआ था। यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत आया था और अधिनियम नंबर 15 था। इसके अंतर्गत आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में जो हिंदू विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, ऐसा वैध घोषित किया गया था। और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन ये पारित कब हुआ तो कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। दूसरा एक्ट आपको याद करना है, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के द्वारा 1872 में पारित हुआ, अंतरजातीय विवाह। तो उस समय अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए कौन था तो नॉर्थ ब्रुक था। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि लैंसडाउन के समय पर आया था 1891 में। इसमें होता क्या था, जो लड़कियों की बहुत कम आयु में शादी कर दी जाती थी तो उस पर रोक लगाई गई और लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु कर दी गई थी 12 वर्ष। इसके बाद शारदा एक्ट याद कर लीजिए, जो इरविन के समय पर पारित हुआ था 1930 में। विवाह के लिए लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है अब 14 वर्ष की गई और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। शिशु वध पर प्रतिबंध लगा वेलेजली के समय पर 1798 से 1805 के बीच। इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था और सती प्रथा प्रतिबंध हुआ विलियम बेंटिक के समय पर 1829 में। इसमें सती प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था और दास प्रथा को भी रोका गया एलन बरो के समय पर 1843 में। 1833 का चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। दासता की कुप्रथा के उन्मूलन के मामले में सरकारी हस्तक्षेप किया विलियम विल्बरफोर्स ने। इनके नेतृत्व में दासता की कुप्रथा के खिलाफ किए गए प्रचार ने भारत में दासता की कुप्रथा के बारे में ब्रिटेन में जनता का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद ही 1811 के विनियम 10 के तहत भूमि के रास्ते दासों के आयात पर निषेध लगाया गया। 1832 के विनियम 4 के तहत दासों के अंतरप्रांतीय आवागमन पर निषेध लगाया गया और इस तरीके से ये एक्ट पारित होता है। इम्पॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में प्रश्न बनते हैं इससे, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान से देखिए। पिछली क्लासेस भी जिन्होंने नहीं की है तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। अब देखिए हम लोग कुछ मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आंदोलन है वो है दारुल उलूम। 1868 में शुरू हुआ था देवबंद सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। अब इससे जुड़े हुए जो लोग थे मोहम्मद कासिम और रसीद अहमद गंगोही थे।
अलीगढ़ आंदोलन शुरू 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच शुरू हुआ, फरीदकोट कादियान में स्थित मिर्ज़ा में। मिर्ज़ा गुलाम अहमद इससे संबंधित थे, यही संस्थापक रहे। अगला है नदवातल उलेमा 1894 से 1895 के बीच लखनऊ में शुरू हुआ, मौलाना शिवली नुमानी के द्वारा। फरेजी आंदोलन शुरू हुआ था 1819 में फरीदपुर बंगाल में, और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो हाजी शरीयतुल्ला और दादू मियाँ थे। तायुनी आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है, 1839 में शुरू हुआ ढाका में, और इसके संस्थापक थे करामत अली जौनपुरी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और इसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक आंदोलन को। तो 1882 ईस्वी में ताराबाई शिंदे ने मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना अर्थात अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन लिखी है। रमाबाई रानाडे, इनके बारे में जान लीजिए, 19वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी, ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हुई थी उसमें, और इनका विवाह जो हुआ था वो एमजी रानाडे के साथ हुआ था, महादेव गोविंद रानाडे। पुणे में इन्होंने सेवा सदन और महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि आर्य समाज महिला के लिए था, आर्य महिला समाज। रमाबाई रानाडे ने मुंबई में हिंदू लेडी सोशल क्लब की स्थापना किया इन्होंने। 1886 में पुणे में महिलाओं के लिए उच्च विद्यालय भी इन्होंने स्थापित किया था। तो ये बहुत सारे कार्य महिलाओं के लिए करती रहीं रमाबाई रानाडे। अब आनंदीबाई कर्वे के बारे में भी जान लीजिए, एक मराठी सामाजिक शैक्षणिक कार्यकर्ता थी और मराठी शिक्षण प्रसारक धोंदो केशव कर्वे की पत्नी भी थी। तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जुड़ा है तो उसके परिवार से महिलाएं आगे नहीं आती थी, क्योंकि इनके साथ महिलाएं भी आगे आती थी तो और सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलती थी, और उनके साथ ही वो अपना शिक्षा के लिए या अपने अधिकारों को जानने का प्रयास भी करती थी। काशीबाई कानितकर के बारे में जान लीजिए, 15वीं शताब्दी के संत कवि कान्हो पात्रा के बाद से महाराष्ट्र भारत की मराठी पहली प्रमुख महिला लेखिका थी। इनका विवाह 9 साल में ही हो गया था, गोविंद वासुदेव कानितकर से हुआ था। नेक्स्ट, 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी कुंडुकुरी वीरेश लिंगम। अगर तेलुगु साहित्य में बात की जाए तो ये आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार और समाज सुधारक थे। इन्होंने गद्य ब्रह्म के नाम से ख्याति प्राप्त की और इन्हें तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी माना जाता है। इनके प्रयास से 11 दिसंबर 1881 ईस्वी में राजमुंद्री में पहले स्वर्ण विधवा पुनर्विवाह का आयोजन सम्पन्न हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में प्रथम विधवा विवाह था। तो इनका भी कार्य सराहनीय रहा, और आप ये सारे व्यक्तियों को पढ़ते रहिए। इनसे इम्पॉर्टेंट आपको याद ये रखना है कि किस आंदोलन से जुड़े थे और किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। एक केस उस समय काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, द महाराज लाइबल केस 1861 से 1862 में ब्रिटिश काल में चला था बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसे देखिए, जदुनाथ ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार थे करसन दास मूल जी, इनके विरुद्ध सत्य प्रकाश एक पत्र छापते थे, उनमें छपे लेख के आधार पर इन पर केस किया था। मौलाना अब्दुल बारी पहले देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन बाद में ये फिरंगी महल से जुड़ गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने देखे। अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसी में एक साथ ले रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती जा रही हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कुछ क्रांतिकारी संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदर कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, इस क्लास की PDF चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ सारी क्लासेस एक साथ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। अदर कोई जानकारी चाहिए किसी कोर्स से रिलेटेड तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ अब मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।